बाजार में मंदी के साथ सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जुलाई में अभी तक सोना 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1500 रुपए किलो तक सस्ती हुई है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें और कमी आ सकती है, हालांकि यह कमी कुछ दिनों के लिए ही रहेगी। आपको बता दें कि लखनऊ से यूपी के कई शहरों में सोना जाता है। यहां आम दिनों में 300 रुपए किलो सोने का कारोबार प्रतिदिन होता है। इसमें बुलियन का बड़ा हिस्सा शामिल है। अकेले लखनऊ के चौक बाजार में कुछ कारोबारी ऐसे हैं जिनका बैंक से प्रतिदिन 200 से 250 किलो सोना खरीदने का लाइसेंस है। इन दिनों बिक्री ना होने से कारोबार 200 से 220 किलो प्रतिदिन तक पहुंच गया है। वहीं चौक सफारा बाजार के आतिश जैन ने बताया कि मौजूदा दौर में बाजार मंदी में है। सोने चांदी का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है। वहीं भारत में अमूमन रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक सबसे अच्छा बाजार रहता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह निवेश के हिसाब से सबसे अच्छा समय है। 8 जुलाई को सोने का रेट 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,000 प्रति किलो था, तो वहीं 1 जुलाई से सोना 1400 रुपए और चांदी 1500 रुपए किलो सस्ता हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।